सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी गाइस। मैं आपको दोस्त, मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर वाली वीडियो बनाई थी दुबई पे, लोगों का प्यार तो काफी मिला उस वीडियो पे। लगभग 20,000 से भी ज्यादा लोगों ने वीडियो को देखे और कई लोगों ने कमेंट किया कि भाई आपने जो भी सैलरी बताई, रिक्वायरमेंट बताई, अप्लाई प्रोसेस बताई, सारी चीजें ठीक है, बट आपने कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स के बारे में भी कुछ थोड़ा बताओ, ये कोर्स हम कैसे कर सकते हैं। आपने बताया था कि दुबई में जितनी भी छोटी बड़ी कंपनीज है सब में आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की डिमांड दिख जाती है, तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, इसको कोर्स क्या क्या कोर्स होता है इसके बारे में, तो मैं आपको डिटेल में चीजें बता देता हूं कि ये कोर्स आप कैसे कर सकते हो। ये तीन तरह के कोर्स होते हैं, एक तो आईटीआई से भी कोर्स होता है जो कि 1 ईयर का होता है, डिप्लोमा से भी होता है, और ये बीटेक लेवल का है जो कि बीटेक से भी आप ये कोर्स कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। कई लोग आईटीआई और डिप्लोमा पे जॉब करते हैं दुबई में, मैंने वो दुबई जो कंप्यूटर ऑपरेटर वाली वीडियो बनाई है उसमें सारी चीजें बताई है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके बाद जाकर वो भी देख लेना अगर आपको दुबई में काम करना है तो। ठीक है, तो आप ये कोर्स कर सकते हो। और कई लोग ट्रेनिंग कोर्स भी करते हैं, जैसे क्या होता है कंप्यूटर ऑपरेटर्स जो होते हैं उनके साथ में रह करके काम सीखते हैं, तो अभी लोग एक ट्रेनिंग कोर्सेज में आ जाता है जो आपको इंटरव्यू में आप अपने रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हो कि आई हैव ट्रेनिंग कोर्सेज। तो ट्रेनिंग कोर्स में क्या होता है, आपको थोड़ा मोड़ा छूट मिल जाता है और सैलरी आपकी अच्छी लग जाती है कि बंदे के पास पहले से एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है, तो उस हिसाब से अगर आप ट्रेनिंग के बाद कोर्स लेते हो तो आप एक तरह से एक्सपीरियंस पे ज्वाइन करते हो, तो ये भी चीजें हो जाती है। ठीक है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर का आप ऐसे कोर्स कर सकते हो। और आपको ज्यादा डिटेल जाननी है कि दुबई में सैलरी कितनी मिलती है, वर्क वीजा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कैसे हम अप्लाई करते हैं, तो मैंने जो कंप्यूटर ऑपरेटर वाली वीडियो बनाई है वो जाके जरूर देखो, मैं उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, जय श्री राम।